हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में जो कि है हमारा वीकेंड एपिसोड, जिसमें हमेशा की तरह आप सभी के लिए लेके आता हूँ 5 पावरफुल एंड्रॉइड एप्लीकेशन। और आज की इस वीडियो में जितने भी एप्लीकेशन है सभी कमाल और धमाल के हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक ही बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। तो गाइस शुरुआत करते हैं पहले एप्लीकेशन से जिसका नाम है slazer.com। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन नहीं, ये एक वेबसाइट है, बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट है, जिनको आप स्मार्टफोन और विंडोज मैक में भी यूज कर सकते हैं। इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड एक ही क्लिक में रिमूव कर सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक है। इसका जो AI सिस्टम है काफी ज्यादा ऑप्टोमाइज किया गया है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, हमारे जो पिक्चर होते हैं जिनका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना होता है वो कई बार डिफिकल्ट होता है, जैसे कि ये दीपिका पादुकोण है और यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका बैकग्राउंड रिमूव करना। बट इस वेबसाइट को जैसे आप ओपन करेंगे, वैसे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे यहां पर आपको लिख कर आएगा अपलोड इमेज। आप अपलोड इमेज पर क्लिक करके अपनी गैलरी से किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए और आप देखेंगे कुछ ही सेकेंड में वो इमेज का जो बैकग्राउंड है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, मुश्किल से 3-4 सेकेंड में। और इतने अच्छे से रिमूव होगा ना, आपका देखकर दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत 19-20 रह जाता है तो आप एडिट पर क्लिक करके मैनुअली कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एडिट पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। आप चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड है रिमूव करने के बाद आप दूसरा बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैकग्राउंड भी मिल जाते हैं, सॉलिड कलर भी मिल जाते हैं, यदि आप चाहें अपने गैलरी से किसी भी बैकग्राउंड को अपलोड करके चिपकाना बैकग्राउंड में यहां पर, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहां से आप डाउनलोड पर क्लिक करके जब डाउनलोड करेंगे तो फ्री में डाउनलोड तो हो जाएगी लेकिन इसकी जो क्वालिटी है वो घट जाएगी, यानी कि रिसाइज हो जाएगा। यदि अगर आप चाहते हैं कि HD क्वालिटी में इसको डाउनलोड करना तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा लुकिंग फॉर एन HD, तो यहाँ पर कुछ ऐसे करके ऑप्शन मिलेगा, API की चाहिए होगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद आपके अकाउंट में 10 क्रेडिट ऐड हो जाएंगे। अब एक इमेज के लिए आपको 1 क्रेडिट खर्च करना होगा और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। यदि अगर आपका कोई प्रोफेशनल वर्क है, कुछ इस तरह के आप काम करते हैं, तो आप इसके प्लान भी ले सकते हैं। नीचे आपको प्लान भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं कि आपको कितने रुपए में 1 साल के लिए कितने क्रेडिट मिलेंगे। तो अगर आप इसको पर्सनल यूज के लिए यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यदि अगर आपका कोई प्रोफेशनल वर्क है, स्पेशली फोटोग्राफी या फिर कुछ भी जो भी आपका पर्सनल है, तो आप इसको और ज्यादा यूज कर सकते हैं। जिसके प्लान भी सस्ते हैं चाहे तो परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, अब बढ़ते हैं अगले एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरफ, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज बता दूं जो बताना भूल गया। इस वीडियो को लाइक का टारगेट रखते हैं पूरे 4000, तो ठोक दो लाइक के बटन को, दबाकर कर दो नीला और 4000 इस बार लाइक का टारगेट पहुंचा ही दो। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना कृपया करके, ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है ये एक चाइनीज शेयर इट का अल्टरनेटिव है, जिसका नाम है फाइल शेयर टूल, जिसकी मदद से आप किसी भी दूसरे स्मार्टफोन में किसी भी तरह की फाइल को शेयर कर सकते हैं, चाहे फोटोज हो, वीडियोज हो, APK हो, और यहाँ तक कि ये शेयर इट से ज़्यादा फास्ट काम करता है। और यहाँ पर आपको QR कोड, हॉटस्पॉट, वाईफाई की मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी दूसरे एंड्रॉयड फोन में। दोनों ही फोन में ये एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए। और ये इंडियन एप्लीकेशन है, काफी लाइट है और मैंने यूज करा, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेटेस्ट है, तो आप इसको यूज कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो। दोस्तों इस हफ्ते का जो हमारा थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन आता है वो एक लॉन्चर है जिसका नाम है ARC लॉन्चर, जिसको अगर आप अपने स्मार्टफोन में अप्लाई कर देते तो आपके स्मार्टफोन का जो लुक है काफ़ी यूनिक और अलग ही हो जाता है। अगर आपको कुछ मतलब बोर हो गए घिसे पिटे लॉन्चर से तो आप इस लॉन्चर को ज़रूर ट्राई करिएगा। इस लॉन्चर में आपको वो सभी फीचर तो मिल ही जाते हैं जो एक लॉन्चर में होना चाहिए, जैसे कि आप स्वाइप अप करेंगे यहाँ पर सभी एप्लीकेशन आपके आ जाएंगे जो भी स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है आपके। और किसी एप्लीकेशन को आप हाइड करना चाहते हैं या लॉक करना चाहते हैं तो आप टैप एंड होल्ड करिए, आप यहाँ से ऑप्शन में जाकर हाइड भी कर सकते हैं या फिर आप लॉक करना चाहें लॉक भी कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। इसके अलावा होम पेज में आपको बाहरी काफ़ी सारी सेटिंग मिल जाती है, ऑप्शन मिल जाते हैं, फ्लैश लाइट का आइकन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से होम पेज होगा जहाँ पर आप क्लिक करके अपने फ्लैश लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करेंगे डायल पैड मिल जाता है, यहाँ पर नंबर डायल करके आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कमाल का फीचर मिलता है यहाँ पर वो है आपका एक पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको क्लिक करना है ओपन यूट्यूब, इसके अलावा ये जो पर्सनल असिस्टेंट है इसके साथ आप बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप इससे हिसाब किताब जुड़वा सकते हैं, जैसे कि 4+6
बता दिया इसने 4+। आपको जितना भी खतरनाक वाला पूछना वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप चाहे वॉलपेपर चेंज करना या फिर थीम चेंज करना वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आप थीम और काफ़ी सारे यहाँ पर थीम वॉलपेपर मिल जाते हैं, कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है, आप चाहे कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी मुझे ये लॉन्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप चाहे इसको ट्राई कर सकते हैं। गाइस अब जो एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये वाकई में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जिसका नाम है हू टच माई फोन। यानी कि अगर आपके पीठ पीछे आपका कोई स्मार्टफोन अनलॉक करता है तो ये एप्लीकेशन उसकी डिटेल रखता है कि आपके स्मार्टफोन को कितनी बार अनलॉक किया गया है और किस किस ने अनलॉक किया है। उसका फ्रंट कैमरे से फोटो भी क्लिक कर लेगा चुपके से और उस बंदे को पता भी नहीं चलेगा। तो आप इसकी धुलाई कुटाई कर सकते हैं जिसने भी ऐसा किया। लेकिन अगर कोई भी आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने की कोशिश भी कर रहा होगा ना और उसने पैटर्न एक दो बार या फिर एक बार भी गलत डाल दिया, तब भी उस बंदे की फोटो खिंच जाएगी और इस एप्लीकेशन में सेव हो जाएगी। आप चाहे इस एप्लीकेशन को ओपन करके देख सकते हैं कि भाई आपका स्मार्टफोन दिन भर में कितनी बार लॉक हुआ है, कितनी बार अनलॉक हुआ है और अनलॉक करने की कोशिश की गई जो नहीं हो पाया और किस किसने करा, उन सबके पिक्चर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आप देख कर बैंड या फिर आपको जो भी करना है वो बजा सकते हो उस बंदे का। और यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को पासवर्ड प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें, इन एप्लीकेशन को जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे हू टच माई फोन तो बहुत सारे फेक एप्लीकेशन भी आपको मिल सकते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन से ही इंस्टॉल करिएगा। ओके तो अब बारी आ चुकी है गाइस लास्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है मौज। मौज मौज करो। अब इस ऐप का आपने शायद ऐड देख लिया होगा क्योंकि ये शेयर चैट, जो कि इंडियन कंपनी शेयर चैट का ही एक एप्लीकेशन है जो कि टिकटॉक का अल्टरनेटिव निकाला, जो शेयर चैट का जो एक फीचर है ना टिकटॉक की तरह वीडियो अपलोड करने का, उस फीचर को बाहर निकाल के ये एक एप्लीकेशन बना दिया जिसका नाम है मौज। और पैसा एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, यही एक कारण था जो कि एक दिन में ही लॉन्च होते ही 1 मिलियन डाउनलोड हो गए थे, पता नहीं क्यों हो गए थे। तो इस एप्लीकेशन में भी आप यही कर सकते हैं, टिकटॉक की तरह वीडियो यहाँ पर बनाकर पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि टिकटॉक में जो आपको फिल्टर्स वगैरह के फीचर मिलते हैं, म्यूजिक ऐड करने के फीचर मिलते हैं, वो फिलहाल तो नहीं मुझे दिखे यहाँ पर, लेकिन आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं बनाकर यहाँ पर। या अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आप टिकटॉक की तरह स्वाइप अप करते 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 वीडियो देख सकते हैं, या फिर शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप चेक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को, इंडियन है, देसी है, टिकटॉक का अल्टरनेटिव है। और मैं बिल्कुल पागल हो चुका हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। और ये एप्लीकेशन आपको इनमें से कौन सा एप्लीकेशन पसंद आया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लव यू, बाय बाय और टेक केयर।